फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल में। आज हम बनाएंगे नारियल की बर्फ़ी, वो भी सिर्फ और सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट्स हैं। जी हाँ, यह बहुत ही टेस्टी लगती है। इस बर्फ़ी को बनाने में ना हम मावा, ना कंडेंस मिल्क, ना ही मिल्क पाउडर और ना ही क्रीम और मलाई का यूज़ करेंगे। फ्रेंड्स, चलिए इसे हम बनाना स्टार्ट करते हैं। इस बर्फ़ी को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ले लिया है नारियल, ये पानी वाला नारियल है, इसको मैंने फोड़ लिया है। अब हम इसको पीसेस में कट कर लेंगे। इसको टुकड़े हमको निकालना है, चाकू की सहायता से मैं निकाल रही हूँ। ये देखिए, मैंने यहाँ पर इसके सारे टुकड़े निकाल लिए हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, अब हम इसके जो ब्राउन स्किन है वो हम निकालेंगे। ये बहुत आसानी से निकल जाता है, इसे मैं चाकू की सहायता से निकाल रही हूँ। इसे आप बहुत आराम से निकालिएगा। ये ब्राउन स्किन निकाल देंगे, जो हमको वाइट वाइट पार्ट है ये हमको पूरा लेना है। अगर आप चाहें तो ब्राउन स्किन भी ले सकते हैं, बस इससे बर्फ़ी का कलर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। यहाँ पर मैं वाइट पार्ट यूज़ कर रही हूँ, जिससे हमारी बर्फ़ी एकदम सफ़ेद बनेगी। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे। जो हमने इसको पीसेस में कट किए थे, अब मैं डाल रही हूँ इसको मिक्सर जार में। इसको हमको अच्छे से पीसना है। इसको हम जब हम पीसेंगे तो मिक्सी को थोड़ा थोड़ा करके हमको चलाना है। इसका हमको एकदम फाइन पेस्ट नहीं चाहिए है, इसको हमको दरदरा ही रखना है। ये देखिए, हमको ऐसा दरदरा चाहिए है इसका, हमको एकदम फाइन पेस्ट दूध वाला नहीं चाहिए है। अब मैंने यहाँ पर एक पैन रख लिया है, जो हमने नारियल को पीसा था बुरादा, वो हम इसमें डाल देंगे। इस कटोरी के नाप से ये हमारा 3 कटोरी होगा, तो अब मैं इसमें 3 कटोरी शक्कर डाल दूँगी। जितना हमारा नारियल का बुरादा होगा उतनी ही हमको शक्कर डालनी है, और उससे ज़्यादा 1 कटोरी हमको उसमें दूध डालना है। ये देखिए, मैंने यहाँ पर 1/2 लीटर दूध लिया है, ये हम पूरा इसमें डाल देंगे। दूध की क्वांटिटी जितनी ज़्यादा होगी उतनी ही बर्फ़ी हमारी टेस्टी बनेगी और उसका कलर भी बहुत अच्छा आएगा। इसको बनाने में ज़रूर थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा, मगर जब हमारी बर्फ़ी बनेगी तब हमारी ये बर्फ़ी बहुत ही टेस्टी लगेगी। अगर आप दूध की क्वांटिटी कम करते हैं तो आप शक्कर की क्वांटिटी भी कम कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अब हमको इसको चलाते रहना है और अच्छा गाढ़ा होने तक, बर्फ़ी की जमने तक हमको इसको अच्छे से पकाना है। हमको साइड साइड से भी इसका निकालते रहना है। यहाँ पर मैं नॉन स्टिकी पैन में बना रही हूँ, आप स्टील के या किसी और बर्तन में भी बना सकते हैं। बस थोड़ा ध्यान ये रखिएगा कि यह हमको इसको बीच बीच में चलाते रहना है। फ्रेंड्स, ये बर्फ़ी बहुत ही टेस्टी लगती है, आप इसे किसी भी व्रत में खा सकते हैं। इसको हमको कंटिन्यू चलाते रहना है, ये लगना नहीं चाहिए। यह बर्फ़ी बनाने में बहुत ही आसान है, केवल और केवल 3 इंग्रेडिएंट से बन जाती है। ये देखिए, हमारी बर्फ़ी अब धीरे धीरे गाढ़ी होती जा रही है। इसने पैन छोड़ना भी चालू कर दिया है। ऐसे ही चलाते रहेंगे तो ये देखिए, हमारी बर्फ़ी और गाढ़ी होती जा रही है। फ्रेंड्स, नारियल हमारे लिए बहुत ही लाभदायक होता है। ये देखिए, अब मैं इसका टुकड़ा जब ले रही हूँ, जब इसको गोल गोल बना रही हूँ लड्डू जैसा, तो ये बन रहा है। इसका मतलब हमारी बर्फ़ी जमने के लिए रेडी है। यहाँ पर मैंने एक टिन लिया है, इसको मैंने घी से अच्छे से ग्रीस कर लिया है। अब मैं इसमें अपना पूरा बर्फ़ी का बैटर इसमें डाल दूँगी बर्फ़ी जमाने के लिए। अगर आपके पास टिन नहीं है तो आप स्टील की थाली भी ले सकते हैं, उसको भी अच्छे से घी से ग्रीस कर लीजिएगा और अपना बैटर उसमें डाल दीजिएगा, अच्छे से फैला दीजिएगा। जितनी भी बर्फ़ी आपको मोटी और पतली रखनी है आप उस हिसाब से इसको फैला सकते हैं। ये देखिए, मैंने इसको अच्छे से पूरा फैला दिया है स्क्रैपर की सहायता से। अब मैं डाल रही हूँ इसमें थोड़ा सा पिस्ता के कतरन, जिससे हमारी बर्फ़ी और भी सुंदर दिखने लगेगी। अब हमको इसको ठंडा होने रखना है 2 से 4 घंटे के लिए। जब हमारी बर्फ़ी इसमें अच्छे से ठंडी हो जाएगी तब हम इसमें कट के निशान लगा देंगे। गरम में हमको इसको कट के निशान नहीं लगाने हैं, जब हमारी बर्फ़ी अच्छे से ठंडी हो जाएगी तभी हमको कट के निशान लगाने हैं और इसको छोड़ देना है। हलवाई वाले इसे पूरी ओवरनाइट इसको छोड़ देते हैं बर्फ़ी को जमने के लिए। अगर आपको थोड़ा जल्दी है तो आप इसको फ्रिज में भी रख सकते हैं, फिर ये फ्रिज में भी सेट हो जाती है। ये देखिए, हमारी बर्फ़ी बहुत अच्छे से पूरी सेट हो गई है। मैं आपको इसमें से एक पीस काट के दिखा देती हूँ कि हमारी बर्फ़ी कितनी सुंदर दिख रही है और कितनी बढ़िया बन गई है।
ये देखिए देखिए, दिख रही है ना हमारी बर्फ़ी कितनी बढ़िया, बहुत ही बढ़िया हमारी बर्फ़ी बनी है, एकदम मार्केट के जैसी। ये देखिए, ऐसे ही मैं सारे पीसेस इसमें से कट कर लेती हूँ। ये देखिए हमारी बर्फ़ी बनकर एकदम बढ़िया रेडी है। ये नारियल की बर्फ़ी बहुत ही टेस्टी लगती है। इसे हमने ना मावा, ना कंडेंस मिल्क, ना मिल्क पाउडर और ना ही क्रीम और मलाई से बनाया है। इसे केवल हमने 3 और 3 इंग्रेडिएंट से ही बनाया है। फ्रेंड्स, यह रेसिपी बहुत ही झटपट बन जाती है। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल में नए हों तो इसे मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फ्रेंड्स, मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।